नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो आरआरबी एनटीपीसी जो आपके जुलाई में आने वाली भर्ती है, क्योंकि कैलेंडर पहले ही रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है कि उन्होंने वो साल भर में कौन कौन सा रिक्रूटमेंट लाएंगे, किन किन पदों पर लाएंगे। तो मैंने बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी किन किन पदों पर भर्ती करता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी, आप जाके वहां से डिटेल देख सकते हो कि आप किस किस पद पर रेलवे में एनटीपीसी के द्वारा जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं, ताकि ये वीडियो आप देखकर आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि जुलाई में जैसा इन्होंने कहा है, जुलाई से सितंबर के बीच में ये पूरा नोटिफिकेशन वाला सेशन रहेगा और कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास इनका एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सब आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो बच्चा एक पर्टिकुलर कोर्स एनटीपीसी के साथ जुड़ना चाहता है और अपनी तैयारी जारी रखना चाहता है, तो आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन या live.parikshaplus.org से आप जाकर बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक बैच आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, ये आपका एनटीपीसी का बैच है और ये आपका एएलपी का बैच है, ठीक है। से आपका सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों में सेम होता है, ठीक है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो वैरी करते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपका साइंस का पोर्शन एक बोल सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी पोर्शन है और जीएस का पोर्शन ऑलमोस्ट एक जैसे रहेंगे, थोड़ा सा इसमें साइंस का जो होता है कह सकते हो कि वेटेज रहता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपकी सेम रहती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बाकी चीजें बता दी थी, किस किस पद पर आपकी भर्ती आएगी। तो ये आपका कैलेंडर है जो रेलवे के द्वारा निकाला गया था, ऑलमोस्ट 12 से 13 हजार, 10 से 12 के मैंने एक फिगर बताया था, वो उससे बढ़ भी सकता है, प्लस उसी के अकॉर्डिंग होगा, 10 से ऊपर से ही वैकेंसी आएगी, 10-11 हजार से ऊपर ही भर्ती आपकी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें दो पोस्ट होते हैं एनटीपीसी में, आपके एनटीपीसी में दो पद होते हैं, एनटीपीसी में आपके दो पद में भर्ती होती है, एक आपकी होती है, हाँ एनटीपीसी की दो पद की भर्तियां होती हैं। इसमें आपका एक 10+2 लेवल का होता है और एक ग्रेजुएट लेवल का होता है। तो ग्रेजुएट लेवल में मैंने कल बता दिया था, इसमें आपको क्वालिफिकेशन 10+2 की चाहिए, तो जो 12 पास हो, कोई भी आईटीआई आईटीआई नहीं, आईटीआई चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए नहीं चाहिए, कोई इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, कोई अप्रेंटिस नहीं चाहिए, सिर्फ 12 आप पास हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हो आप एलिजिबल हो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए, और 18 से 30 साल की आपका आयु है। तो इन जनरल की बात की जा रही है, जनरल में अगर ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, बाकी इस साल रेलवे के सभी वैकेंसी में 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप अगर हो तो आप 10+2 वाला जो है वो भर सकते हैं, आप ध्यान रखिए 18 से 30 साल वाले, और ये आपके जुलाई तक गिना जाएगा आपका एज जो होगा। एक आपका जो ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री अगर आपकी है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप। 18 से 33 साल ये आपका जनरल के लिए है, जनरल के लिए 18 से 33 साल है, और 3 साल और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, हर भर्ती में मिल रहा है, तो 18 से 36 मान के चलो इस साल आपको मिला है 18 से 36। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो इनमें वो आपको 5 साल का छूट मिलता है, 18 से आपका जो 33 है, 5 इसमें जोड़ लो तो 38, और 3 और जोड़ लो 41 साल तक आपके कहीं ना कहीं इनका हो गया, 3 साल तक में 36 तो हो ही गया, और 36+5 6, 5, 11 18 से 41 साल। और ओबीसी की बात करें तो 3 है तो 3, 3, 6, 3, 9 मतलब 18 से 39 साल तक के ये भर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा सबको दिया गया है यहाँ पर। अब हम आगे बात करें कि ये ध्यान रखिएगा, यही आपका जो बाकी आपके जनरल में तो नहीं मिलता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन बाकी क्राइटेरिया में जो मिलता है, जैसे आपका नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है, एक्स सर्विस मैन आपका है, यूआर का तो 13 ईयर प्लस नंबर ईयर ऑफ सर्विस
रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर होगा। ओबीसी एनसीएल को ये आपका अलग से है। एसटी एसटी अगर एक सर्विस मैन है तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। पीडब्ल्यूडी यूआर का है अगर 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी का है तो 13 साल का है। एससी एसटी के हैं तो 35 साल के हैं। ठीक है, तो ये आपके कास्ट जम्मू कश्मीर का अगर डोमिसाइल है तो उनके लिए अलग से आपका ये पूरा एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीजें हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी। अब हम लोग यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सबसे जरूरी ये है, आप अगर 10वीं और ग्रेजुएट पास हो, 12वीं पास हो और ग्रेजुएशन है आप, तो दोनों में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर होना चाहिए कि आपका मेडिकली आप फिट हो कि नहीं फिट हो, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, चाहे अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, मेडिकली आपका अगर हम बात करें कि आप कितना फिट हो वो जरूरी है यहां पर। जैसे देखो यहां पे आपका A2 से स्टार्ट होगा। A2 जो है, A1 नहीं मांगा है मेडिकल में आंख का। बाकी आप फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, ठीक है, आप कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। A2 मांगा है। A2 का मतलब ये है कि यहां 6x9 और 6x9, ये 6x9 मेडिकल का मैंने एक डाला है कि जो लेटर आपको पढ़वाते हैं ना, तो 6x6, 6x9, 6x12, 6x16 ये होता है। तो आप बिना चश्मे के, विदाउट ग्लास, आप अगर 6x9 वाली लाइन देख लेते हो बिना चश्मे के तो आप एलिजिबल हो। बाकी कलर विजन नहीं होना चाहिए, हाँ ये ध्यान रखिएगा। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये टेस्ट आपका पास होना चाहिए। कलर विजन वाले नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना ग्लास के अगर 6x9 है तो आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, जैसे किस लोगों के आंखों में थोड़ी सी दिक्कत होती है 0.5, वो तो 6x9 देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब A3 जो होता है, A3 में क्या बोला है कि 6x9 और 6x9 का डिस्टेंस विजन विद और विदाउट ग्लास, मतलब विद और विदाउट ग्लास है तो वो आपका A3 में काउंट किया जाएगा। मतलब ग्लास के साथ आपका 6x9 हो गया और बिना ग्लास के भी है तभी भी चलेगा, A3 में आप आओगे। लेकिन आपको ये वाला कलर विजन, बाइनोकुलर और नाइट विजन और मायोपिक विजन का टेस्ट जो होता है मेडिकल वाला, वो पास करना पड़ेगा। तो वो जाके आप किसी आंख हॉस्पिटल में जाके आप अपना देख करा लीजिए कि कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन ये सब सही है आपका, वो ग्राफ बना के दे देते हैं तो सब ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल सा होता है जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होती है, वो चीज है कि नहीं, कहीं तिरछा उरछा तो नहीं देख रहे हो, इस टाइप का चीजें हैं। अब नियर विजन 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, तो ये ग्लास की परमिशन दे दिया गया है। और परमिशन दिया गया है कि पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2D, मतलब 2 डायोप्टर से ज्यादा का पावर नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस या माइनस 2 डायोप्टर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए A3 के लिए। B2 की बात किया गया है, B2 में बोला है 6x9 और 6x12 विद और विदाउट ग्लास होगा। पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 4D, मतलब 4 डायोप्टर से ज्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए लेंस का, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। और 0.06 और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। पास्ट टेस्ट फील्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, यहां पर आपको कलर विजन के बारे में नहीं कहा है, आपको बस बाइनोकुलर विजन आपका पास होना चाहिए। अगर B2 वाला है तो B2 में आप कलर विजन है तो चलेगा, क्योंकि कलर विजन की बात नहीं किया गया है। पास्ट टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन एक्सेट्रा, बस इतना लिखा है। जैसे इसमें इतनी सब चीजें लिखी हैं, इसमें नहीं लिखा है। दूसरी बात, C2 की बात किया गया है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6x12 है, मतलब आप विद और विदाउट ग्लास 6x12 तक देख लेते हो तो आप चलोगे, ठीक है। अब 06 का आपका नीचे वाला होना चाहिए, कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग आर क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आप नीचे मतलब क्लोज वर्क को रीड कर ले रहे हो अच्छे से तो वो चीजें आपका यहां पर चलेगा। और कुछ आपको यहां पर दिया गया है रेलवे के द्वारा कि आप लेजिक जो ऑपरेशन है वो किस में नहीं चलेगा, यहां लेजर ऑपरेशन किस में नहीं चलेगा। बोला कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर एंड नॉट एलिजिबल फॉर आर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3 एंड B2। मतलब कि अगर आपने लेजर कराया है सही कराने के लिए अपनी आंख को,
तो यहां पे जिसमें जिसमें A2, A3 और B2 इन तक लेजर नहीं चलेगा, यहां पर आपको लेजर अगर ऑपरेशन करा लिए हो तो आपको चश्मा पहनो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना है, ये बात ध्यान रखिएगा करेक्शन के लिए आपको, क्योंकि ये चीज आपका फॉलो होना चाहिए, आपने करेक्ट करा लिया है तो दिक्कत हो जाएगी, तो इनके लिए लेजर नहीं चलेगा। हाँ, इसके लिए नहीं बोला है, इसमें आप करा सकते हैं 6x12 डिस्टेंस विजन है तो आप करा सकते हो, इसके लिए कोई कंपलसरी इन्होंने अलग से कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3 एंड B2 के लिए नहीं होगा, C2 के लिए कर सकते हो लेजर, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। और C2 मैंने बता दिया था कि कहां कहां मांगा जाता है, 10+2 में मैक्सिमम C2 वाला है केस। अब यहां देखिए, जो स्टेज ऑफ एग्जाम होता है आपका वो कितने पार्ट में होगा, पहला आपका CBT 1 होगा, CBT 1 जो होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बेसिकली होता है, इससे मेरिट नहीं बनाई जाती है। यहां पर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क से आपको सेकेंड स्टेज में दिया जाएगा, यहां CBT 2 होगा, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए नहीं होता है, दो पोस्ट के लिए होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल में दो पोस्ट है वो है आपका, एक तो आपका स्टेशन मास्टर के लिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है। क्वालिफाई होता है 42 मार्क्स लेके आना होता है, इसमें ये ध्यान रखिए सभी कैटेगरी के लिए उतना ही मार्क्स होता है हर बैटरी टेस्ट में, तो ये सिर्फ दो के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं होता है, ये बाकी के लिए नहीं होगा। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट भी आपके किन किन पदों पे होगी, इनकी होगी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर टाइमकीपर की, अकाउंट क्लर्क एंड टाइपिस्ट की, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की, टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइपकीपर की। तो मतलब आप अगर इनके टाइपिंग वाले जॉब में जाना चाहते हो, अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यहां से देखिए, ध्यान दिए यहां पर लिखा हुआ है कोई एक टाइपिंग, इंग्लिश या हिंदी ठीक है, तो यहां बोला शुड बी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, मतलब कोई एक टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप इन पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसका स्किल टेस्ट होगा। ये भी कैसा होगा, ये भी क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये भी क्वालिफाई है, दो पोस्ट के लिए होता है, बाकी जितने भी क्लर्कियल वाले पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग में कोई जरूरी नहीं है हिंदी, इंग्लिश में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसीजर होता है आपके सिलेक्शन का, ये ध्यान रखिएगा NTPC में जो जो पद होते हैं ठीक है। हाँ, और कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें आपको स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, वो पद हैं आपके ट्रेन क्लर्क ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो ये आपके TC होते हैं भाई, ये भी आपके उसी में तो आते हैं, टिकट कलेक्टर वाले, गुड गार्ड गार्ड साहब जो हो गए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस, ये सभी के लिए सिर्फ आपको CBT 2 के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा, इसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा, इनको CBT 1 देना है, CBT 2 का एग्जाम पास करेंगे, इनमें मेरिट के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होगा इन पदों के लिए ठीक है। अब इनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, हाँ एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है कि CBT 1 जो होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन GS, और 90 मिनट आपको समय दिया जाता है ये ध्यान। और CBT 2 जो होता है ये आपका CBT 2 में 120 क्वेश्चन आपके होते हैं, 35-35-50 का होता है ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल क्वेश्चन ये आपके CBT 2 का है, तो ये आपके क्या है। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए UR के लिए 40, UWS के लिए 40, OBC के लिए 30%, इतना मतलब आएगा, उसके बाद ही आप मेरिट में काउंट होगे, नहीं तो इससे कम मार्क्स लाए तो आप फेल माने जाते हो, तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी ये मैंने बताया कि जो आपका जिस भी पद के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है और ट्रैफिक असिस्टेंट वाला पद है, तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, देखो स्टेशन मास्टर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 42 मार्क्स इच ऑफ द बैटरी टू क्वालिफाई लाना पड़ेगा, ये आपका CBAT जो होता है, जिसको बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है,
ये सिर्फ दो पद के लिए होता है, बाकी आपके यहां पर इन इन पदों के लिए टाइपिंग आपकी कहां कहां होती है ये चार्ट में आपको मैंने दिखा दिया है, यहां देख लीजिए। जैसे इसमें है आपका दो लेवल पे है, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है टू, इसके में आपका सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी होगा कॉमन फॉर ऑल लेवल टू पोस्ट, और टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें होगा सभी के लिए जो दो दो नंबर वाले हैं जितने, ये तो सबके लिए कॉमन है। सीबीटी वन तो सबके लिए कॉमन है, सीबीटी कॉमन फॉर ऑल लेवल टू पर पोस्ट, सीबीटी टू भी आपका किसके लिए कॉमन है, यहां कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर सेपरेट फ्रॉम लेवल थ्री पोस्ट, सेपरेट फ्रॉम लेवल फोर पोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तीन मतलब बताया गया कि किससे होगा, यहां पर इनको यहां से टाइपिंग देना पड़ेगा, फिर इनको तीसरा लेवल पे जाना पड़ेगा यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इनको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा यहां के बाद सीबीटी के बाद, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होते हैं, ठीक। तो ये आपको बताया गया है कि इसमें किसमें आपकी टाइपिंग होगी। यहां पर देखो जो है सिक्स वाला स्टेशन मास्टर जो है, यहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो जो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर वैसे वैसे प्रोसीजर होगा। बाकी जो सिलेबस क्या है इसका एग्जाम पैटर्न ये अलग से मैं पूरा डिटेलिंग कर दूंगा, अभी आप इतना जान लीजिए कि कौन कौन से फॉर्म लोग भर सकते हैं। तो इतना जान लो अगर आपने 10+2 कर रखा है, हाँ 10+2 कर रखा है, 10+2 है आपके पास, आप पास हो तो आप भर सकते हो, आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप भर सकते हो, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लिए हो कोई भी स्ट्रीम हो कोई मतलब नहीं, और आपको टाइपिंग आती है तो बहुत बढ़िया, टाइपिंग के पद अच्छे खासे होते हैं, मतलब आपको इंग्लिश आए चाहे आपकी हिंदी टाइपिंग आए, ठीक है, हिंदी टाइपिंग आए, अगर ये आपको आता है 30 वर्ड और ये आता है 25 वर्ड पर मिनट, अगर इनमें से कोई भी आपका टाइपिंग आपको आता है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। बाकी इसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न पूरे ओपन करके कि कितना किससे पार्ट से कैसे कैसे आएंगे, उन सभी के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए।